हम भी सही है, सुनिए ना, एक सेकंड, हम भी सही है, पब्लिक भी सही है। बाबा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, देख लीजिए मैडम कर रही कि ये जो सरकारी स्कूल है इसमें घंटी उंटी उतना नहीं होता है, मतलब प्रोग्राम है लिखा हुआ उतना एगो है, तब इतना बच्चा को देखेंगे, यही पढ़ाई हो रहा है, यही पढ़ाई हो रहा है, सारा बच्चा घूम रहा है इधर से उधर। टिफिन हुआ है, टिफिन कितना से कितना बजे होता है? एक। हम यहाँ बैठ के फोन पे कब दे रही थी? भले हमारा कैमरा में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं मैडम के मुँह पे बोलेंगे, मैडम यहाँ बैठ के बात, मतलब जब खाना बन गया तब टिफिन हो गया, बारह साढ़े बारह पौने एक तक में, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है। देख रहे हैं छर, यहाँ दिखाइए एक बार, अगर ये गिरेगा तो फिर गिरने से यहाँ पे एकदम पक्का मौत तो पक्का निश्चित है एकदम। देखिए नहीं जानता है यहाँ का जो मास्टर है, कुछ पढ़ाने नहीं जानता है, और दूसरी बात है गाँव का मास्टर गाँव में जो रहता है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, दिन भर अपना ट्रैक्टर और अच्छी। प्राथमिक विद्यालय लालापुर बधेर है, क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम आभा कुमारी। आभा कुमारी, आप यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट की शिक्षक हैं? सब्जेक्ट हम लोग मेट्रिक पास पर आए हैं। तो क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? सब विषय पढ़ाते हैं। सब विषय पढ़ाते हैं, किस कक्षा तक? पाँच तक। पाँच तक पढ़ाते हैं, और ये प्रिंसिपल मैडम या फिर सर कौन है? जितेंद्र सर। कहाँ है अभी? मीटिंग में गए। मीटिंग में गए, लिख के गए हैं कि आज आवार पे हैं फिर मीटिंग। आप लोग ऑफिस में भी ताला लगा रखे हैं, पूरा हर जगह ताला लगा रखे हैं, कितना बच्चा स्कूल में है ये बताइए? यही पढ़ाई हो रहा है, यही पढ़ाई हो रहा है, सारा बच्चा घूम रहा है इधर से उधर। टिफिन हुआ है, टिफिन कितना से कितना बजे होता है? एक बजे दिए। एक बजे दिए, एक बजे से कै बजे तक होता है? देख लीजिए टिफिन का टाइम यहाँ पे क्लियर नहीं है कि टिफिन कितना बजे होगा, कितना बजे होगा मैडम टिफिन? सरकारी टिफिन का टाइम कितना बजे है? सरकारी टिफिन का टाइम कितना बजे है? आप लोग किसी को पता है यहाँ पे सरकारी टिफिन का टाइम कितना बजे होना चाहिए? एक से दो होता है। एक से दो। एक से दो होता है, आपको भी जानकारी नहीं है तब मैडम ये बताएंगे। मैडम सरकारी टिफिन का टाइम क्या बजे से क्या बजे तक होता है? एक बजे देते हैं, खिलाते पिलाते दो बज जाता है, पौने एक तक देना चाहिए, लेकिन खाना बन जाए जैसे तो उसे होता है, मतलब जब खाना बन गया तब टिफिन हो गया, बारह साढ़े बारह पौने एक तक में, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, साढ़े बारह पौने एक, एक फिक्स नहीं है तब। तो बताइए ना क्या फिक्स टाइम है टिफिन का? टिफिन का कुछ टाइम होगा ना? देखिए मैडम कुछ बोल नहीं रही है, अभी हम प्राथमिक विद्यालय लालापुर भदेर में है और यहाँ का स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। मैडम दिखा दीजिए स्कूल का ये स्थिति है, बाकी ये क्लासरूम का स्थिति अगर दिखाए हम तो क्लासरूम में देखिए यहाँ पे नल पाइप रखा गया है, और पता नहीं है ऑफिस है ये क्लासरूम में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी आप देख रहे हैं छर, यहाँ दिखाइए एक बार, अगर ये गिरेगा तो फिर गिरने से यहाँ पे एकदम पक्का मौत तो पक्का निश्चित है एकदम। देखिए जर्जर कितना स्थिति इसका खराब हो चुका है इस विद्यालय का, फिर भी इसको यूज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। मैडम ये बताइए ये जर्जर छत पे कैसे यहाँ पे ये ऑफिस है? इसीलिए तो बंद रखते हैं। इसीलिए बंद रखते हैं। अच्छा इसीलिए बंद रखते हैं, फिर भी इसको तब यूज में रखे हैं, यूज में क्यों रखे मैडम? बहुत दिन से इसका हुआ है, नहीं हो रहा है, इसीलिए इतना हम नहीं बता पाएंगे। आप यहाँ पे कौन है? हम यहाँ गांव का। अच्छा गांव के हैं, हाँ ठीक है, गांव के लोगों का बहुत जरूरत है यहाँ पे। ये बताइए जो गिर रहा है कभी इसका शिकायत हुआ है? कभी अगर बच्चा दब के मर जाए तो शिकायत? देखिए शिकायत कौन से कहते हैं एमएलए को भी दिए हैं, जो अभी बने हैं ललन पहलवान एमएलए उसको भी दिए हैं, कंप्लेंट बीआरसी में भी दिए हैं, सब जगह दिया हुआ है, लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं कर रहा है। कभी भी देख लीजिए बड़ा बात यहाँ ये है, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं कि ये रूम पूरा जर्जर है, कभी भी गिर के कोई रूम जर्जर है, अभी हम लोग की मर्जी कोई ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इस रूम को यूज किया जा रहा है। सवाल ये है अगर ये जर्जर है इसको आप बंद कर दीजिए जब तक नहीं बन रहा है, किसी और रूम को यूज कीजिए ऑफिस की तरह, या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए। 10 को बच्चा अगर मर जाए इसका जिम्मेवार कौन होगा? एमपी एमएलए साहब देंगे पैसा अपने फंड से? किसके पास जाए हम लोग बोलिए? वही आवाज उठाने के लिए हम लोग आए हैं कि आप लोग आवाज बनिए हमारे साथ, बाकी यहाँ पे टीचर भी आवाज बने तब ना। टीचर इसको खुद यूज कर रहा है, खुद गलती कर रहा है। टीचर बताइए टीचर गलती कर रहा नहीं कर रहा है? रूम को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये जर्जर हो रहा है, कभी भी हादसा हो सकता है इसमें, किसी बच्चे एक बार घुमा के दिखाइए कितना ज्यादा जर्जर है। इसे यहाँ जो बीम दिया गया है बीम में भी उतना ज्यादा प्रॉब्लम है, बाकी और बहुत हम लोग परेशान है इस स्कूल से। लेकिन आप इतना बस सच बताइए कि जो भी यहाँ का ग्रामीण का शिकायत है कि कोई भी टीचर
में चला जाता है, महीना में चार दिन आता है, कहाँ तक सच्चाई है? वो लोग भी सही है, हम लोग भी सही हैं। अच्छा, मतलब ग्रामीण भी सही है और आप भी सही हैं। हाँ। आप कैसे सही हैं? हम आप आते हैं समय से, सब चीज करते आते हैं। हेड मास्टर है, शिक्षा मित्र, वो अभी आज मीटिंग में गए हैं और अंदिन। अच्छा, कौन चीज का मीटिंग में गए? अच्छा, कौन चीज का मीटिंग में गए हैं? नहीं पता, नहीं क्या पता ही नहीं है। हेड मास्टर वाला मीटिंग होगा, हेड मास्टर वाला मीटिंग है। रोज मीटिंग होती है या रोज? मीटिंग है, आज मीटिंग है, लेकिन रोज का क्या धंधा है? रोज का हम जो बोले हैं, रोज के बारे में हमने बोले हैं। बोले हम भी सही हैं। सुनिए, एक सेकंड, हम भी सही हैं, पब्लिक भी सही है। बाबा बाबा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सुनिए ना मैडम, सुनिए ना मैडम, एक सवाल है। जो गांव वाले बोल रहे हैं कि टीचर बीच में गायब हो जाते हैं, क्या कितना सच्चाई है? सर, गांव वाला ही सब करेंगे। आप बताइए ना कितना टीचर गायब रहता है यहाँ से, आप बताइएगा ना। नहीं, अभी नहीं बताएंगे। देख लीजिए, मैडम नहीं बता रही है, कहे की आप ठीक है। एगो मैडम शादी हुआ है, नहीं आते। एगो जो टीचर है तो वो बोलेंगे की हम मीटिंग में जाते हैं, बिहार से जाते हैं, शहर से बोलते हैं ना, हम भी आप भी बोले, अब हम भी बोले। और गाँव वाला से सब पूछ लीजिए जो सही। कहने का मतलब, एक सेकंड रुके, कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि मैडम का कहना है कि एक जो मैडम, सुनिए एक सेकंड, मैडम जो शादी कर ली है वो कभी कभी महीना में आती, बाकी नहीं आती, बाकी महीना का सैलरी उठा लेती है। बच्चा पढ़ेगा कैसे, भविष्य बच्चा का क्या होगा? आप ही लोग बताइए, बच्चा का भविष्य क्या होगा? बहुत बदनाम होगा, और क्या होगा? पढ़ाई लिखाई चलेगा, उसका पढ़ाई लिखाई नहीं चलेगा, आगे चल के गोबर उठाएगा। खो लिखने नहीं जानता है, यहाँ का जो मास्टर है कुछ पढ़ाने नहीं जानता है, और दूसरी बात है गांव का मास्टर गांव में जो रहता है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, दिन भर अपना ट्रैक्टर और अच्छी के चक्कर में रहता है, दिन भर अपना ट्रैक्टर चलवाने के फेर में। एक बात बताइए, मुखिया बहाली वाला भी टीचर यहाँ है? हाँ जी सर। तो कहाँ से आएगा, तो पढ़ाई भी नहीं करेगा, पढ़ाने का टीचर है, सलमपुर पंचायत का मुखिया बहाली क्या था ना, उसी का बालिका है। सुनिए, इम्पोर्टेंट बात ये भी है, सुनिए ना एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये भी है, यहाँ का मुखिया, यहाँ का वार्ड इस चीज पे अगर जिस दिन ध्यान दे देगा, उस दिन यहाँ का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगा। वार्ड ध्यान दे रहा है, लेकिन मुखिया ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, मुखिया भी ध्यान नहीं दे रहा, प्लस हेड मास्टर जो है वो जो जर्जर स्कूल हो गया, आज तक कहीं वो दरखास्त लिख के नहीं दिया है। नहीं दिया है दरखास्त, लिख के जो भी दे रहा है, तो मेरा वार्ड नया जो बना है साल भर हो रहा है। सामने और बोलते हम, जैसे स्कूल में आए, स्कूल का गेट में ताला लगा हुआ था, ठीक है। दूसरा बात यह कि मैडम यहाँ बैठ के फोन पे गप दे रही थी, भले हमारा कैमरा में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं मैडम के मुंह पे बोलेंगे, मैडम यहाँ बैठ के बात कर रही थी, अब बच्चा लोग खेल रहा था। तो बताइए स्कूल का क्या स्थिति होगा, पढ़ाई कैसे होगा? वो जो है ना, यहाँ पे जो हेडमास्टर है, ठीक है, दिन भर अपना खेती करता है, ठीक है। हाँ। घुटरा कहाँ ट्रैक्टर रे, कहाँ तेल घड़ा रे, दिन में वही करता, जब देखता है स्कूल में या उसका चमचा रखा, ठीक है, तुरंत फोन करता, तुरंत घुस जाता है स्कूल, ऐसा करता है। अच्छा, ऐसा होता है। मास्टर साहब 15 वर्षों से नहीं किया है सर, आज तक शिक्षा समिति की बैठक मास्टर हेडमास्टर साहब नहीं किए हैं स्कूल में, कहने के बावजूद मैं बीओ साहब को एक दिन कहे तो फिर बीओ साहब भी रिस्पॉन्स नहीं लिए, बहुत रिक्वेस्ट किए, इधर जब बोले भी किए हम तो बोला ठीक है अभी टाइम है कर देंगे, लेकिन चुपचाप सर कर लेता है, बस यही इसका धंधा है, एक मिनट स्कूल में नहीं रहता है, स्कूल खोला फिर फिरार अपना ट्रैक्टर और गाड़ी चलाने के चक्कर में, हमारा समाज का बता इतना बर्बाद है कर दिया है सर, इतना वर्षों से। तो आप देख लीजिए, पूरा गाँव का, पूरा आम पब्लिक का यही शिकायत है, स्कूल खोल, पूरा गाँव अभी यहाँ पे एकजुट हुआ, एक बार घुरा के दिखा दीजिए, पूरा गाँव यहाँ भी एकजुट हुआ है, और सबका कहना यही है कि स्कूल में शिक्षा व्यवस्था सुधरना चाहिए, यहाँ का वार्ड जो है ना पूरा इस पे तत्पर है, सुधरना चाहिए। मुखिया जी आगे नहीं आ रहे, बाकी वीओ साहब आप भी इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब गांव एकजुट है आपको भी एकजुट होकर मीटिंग करना चाहिए, बाकी स्कूल का सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, बाकी टिफिन का टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए, कभी 12:15 बजे टिफिन, कभी 1:15 बजे टिफिन, कभी 2 बजे टिफिन, ऐसा होना चाहिए। क्या बोलती है, खाना बनेगा टिफिन हो जाएगा, चेंज नहीं होगा हेडमास्टर, तो तब तक यहाँ कोई बच्चा है दूसरा तक का बच्चा यहाँ 5वां पास कर चुका है, आप देख लीजिए ना, हेडमास्टर चेंज होना चाहिए, आप देख लीजिए, 5 तक का बच्चा यही 2 क्लास में पढ़ता है और 4 टीचर है, कैसे पढ़ाता है सर? सुनिए ना, वही चीज है, वही चीज है, यहाँ का अधिकारी समझेंगे, अभी युवा साथ समझेंगे ना, किस रूम को दुरुस्त कराते हैं हम जी, जो बोलता है सर उसको पैसा घूस दे देता है, उसी का हो जाता है, मास्टर सब बहुत तेज है, हाँ घूस पे रह रहा है, यहाँ पे घूस पे रह रहा है, हाँ एकदम घूस पे, ये जो आदमी बोलने वाला है उसको 1000 2000 5000 दे देता है, उसी का हो जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग घूस पे नहीं बिकने वाले हैं, वीडियो चलेगा 100%।
100% चलेगा, ठीक है एकदम सर, चलाइए आप लोग सब। मेरा चार मास्टर है, सुन लीजिए, चार मास्टर है यहाँ, गरीब परिवार का सब बच्चा है। अगर यदि वो चारों मास्टर सिर्फ एक घंटा बच्चे के पीछे ध्यान दे देगा तो बच्चा कहाँ से कहाँ चला। आप जो कर रहे हैं ध्यान देता ही नहीं है, आप जो कर रहे हैं ना इसे 100% हम सहमत हैं। एक घंटा क्या, आधा घंटा अगर बच्चे को ध्यान से दे देना ट्यूशन के टाइप से तो बच्चा बहुत आगे जाएगा, लेकिन ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, सच्चाई है। चुपचाप बैठे रहते हैं। सोचिए ना आप बस इतना सोचिए, आप बस इतना सोचिए कि जब खिचड़ी बन जाएगा तो टिफिन करवा देंगे, ये नहीं कि टाइम पे खिचड़ी बनवाएंगे, खिचड़ी बन जाएगा तब टिफिन करवा देंगे। स्कूल जब लगता है आगे पीछे मास्टर आता है, कोई 9:30 बजे कोई 10 बजे ऐसे आता है, सुन लीजिए। अच्छा, एक शिकायत और भी है कि यहाँ छुट्टी जो है 3:15 में ही हो जाता है, क्या सच्चाई है ये? सही है, देखिए क्या क्या भैया छुट्टी का कोई वैल्यू नहीं है, 3 बजे हो जाता है, 3:30 बजे भी होता है, 2:30 बजे छोड़ देता है, कभी भी हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, खिलाया उसके लिए ही है। अच्छा एक सेकंड, आइए क्लासरूम, आइए क्लासरूम। मैडम कौन सा पीरियड चल रहा है अभी, घंटी कौन सा चल रहा है? घंटी यहाँ सरकारी स्कूल में उतना नहीं होता है, प्राथमिक विद्यालय है ना तो 100 बच्चा है, 100। देख लीजिए मैडम कह रही है कि ये जो सरकारी स्कूल है इसमें घंटी उंटी उतना नहीं होता है, मतलब प्रोग्राम है लिखा हुआ उतना ये गो है, तब इतना बच्चा को देखेंगे हैं। देख लीजिए मैडम कह रही है कि सरकारी स्कूल है यहाँ घंटी उंटी नहीं होता, क्या भैया बिना घंटी का पढ़ाई हो जाएगा? तो क्या करेंगे? अरे आप अकेले हैं, घंटी तो होता होगा ना, अभी कौन घंटी चल रहा है बता दीजिए खाली। पहला घंटी सुनिए ना, सुनिए ना, पहला घंटी, दूसरा घंटी, तीसरा घंटी, कौन घंटी चल रहा है? आप लोग से पूछ रहे हैं क्या मैडम, कौन सा घंटी चल रहा है? देख लीजिए मैडम से घंटी पूछते क्लासरूम से बाहर हो गया, बाकी जो बच्चा पढ़ रहा है कौन क्लास में, वो छोटू कौन क्लास में? तीसरा में पढ़ते हो? ABCD आता है? बोलो ABCDEFGHIJK L M N। एप्पल का स्पेलिंग बता दो एक बार। APPLE। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है कि इसको आता है, देखिए इसको आता है। छोटी कौन क्लास में हो तुम? तीसरा में। तीसरा में जी। बता दो तुम फरवरी का स्पेलिंग। फरवरी का स्पेलिंग नहीं। अच्छा दिसंबर का बता दो। दिसंबर का हाँ। देखिए बच्चे तीसरे में है लेकिन इसको जनवरी फरवरी संडे मंडे ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है? क्लास 5 बगल वाला है। अच्छा एक बार 5 में भी देख लेते हैं। ये 5वां क्लास है, चौथा 5वां है। बाबू देखो अभी तुम लोग के लिए ये आए हुए हैं, ठीक है? जब तक तुम लोग सच नहीं बोलेगा तब तक हम लोग कैसे स्कूल का विकास कर पाएंगे, ये बताओ। विकास में साथ दे पाएंगे, सच बोलेगा तब ना। ये बताओ टीचर यहाँ टाइम पे पढ़ाते हैं? टाइम पर आता है लेकिन ज्यादातर बढ़ाता नहीं। देखो सच बोलो, अगर टीचर किसी भी तरह का टॉर्चर तुमको करेगा, परेशान करेगा, पीटेगा, हम नंबर दे के जाएंगे, हमको फोन करना फिर आएंगे, ठीक है? टाइम पे टीचर आता है? टाइम पर आता है लेकिन पढ़ाता सही नहीं है। अच्छा सही नहीं पढ़ाता है? बाबू ये सही बोल रहा है ना? टाइम पे सर पढ़ाते हैं, मैडम पढ़ाती है? नहीं है? नहीं। देख लीजिए बच्चा भी बोल रहा है कि टाइम पे पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा ये बताओ कौन क्लास में हो अभी? 5 में। क्या क्या पढ़ाई होता है, कुछ तो पढ़ा होगा? होता है, पारा दे देता है और भाग सब दे देता है और कुछ नहीं देता है कभी कभी। अच्छा 12 का पारा पढ़ो तो कहाँ तक पढ़ा आता है? 5 का पढ़ो, 5वां क्लास में हो ना, 5 का पढ़ा पढ़ो। 5 का 5, 5, 10, 15, 20, 25, 25, 25, 30, 35। अच्छा कहाँ तक आता है, कहाँ तक आता है? 5 तक। देखिए 5वां क्लास में है मात्र इसको 5 तक पढ़ा आता, कहाँ से इसका भविष्य सही होगा? कम से कम इसको 20 तक पढ़ाना चाहिए था, बाकी बेसिक नॉलेज टोटल आना चाहिए था जो कि नहीं आ रहा है इसको। 5वां क्लास का बच्चा 5 आदमी का नाम नहीं लिख पाएगा, ये स्थिति है जी सर। यहाँ ये अपना बच्चा नाम नहीं लिखता है, यहाँ 5वां पास हो जाता है। इतना हेडमास्टर सर चेंज होना चाहिए हर हालत में, अगर हेडमास्टर सर चेंज हो जाएगा हम लोग का यहाँ का बच्चा सब सुरक्षित और बढ़िया पढ़े लिखे हो जाएगा सर, सिर्फ हेडमास्टर। देखिए हम भी रिक्वेस्ट करेंगे DEO साहब से कि यहाँ पे आइए जांच कीजिए और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालिए, और यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है, टाइमिंग की व्यवस्था है, लंच की व्यवस्था है, सबको सही
कीजिए, जब तक सही नहीं कीजिए तब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। बाकी क्लासरूम का स्थिति इतना ज्यादा गंदा है, एक बार दिखाइए, इसमें कई कई सारे अब शब्द भी लिखे हुए हैं, इतना ज्यादा इसके ऊपर खड़ा गया पूरे दीवार पे कि क्लासरूम जैसा नहीं लग रहा, पूरा कबाड़खाना ऐसा बना हुआ। पूरा क्लासरूम दिखाइए एक बार, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए नया रूम बना हुआ, पूरा झड़ गया है, पूरा झड़ गया है, नया रूम बना है, पूरा झड़ गया है। बाकी इधर दिखा दीजिए, बाकी कैसा लगा हमारा प्रयास, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिलेक्ट टीवी, धन्यवाद।